नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने उत्तर भारत में प्याज का कैसे वैज्ञानिक खेती हो सकता है उसके बारे में जानकारी देंगे। प्याज में इम्पोर्टेंट वैरायटी चुनना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में दो सीजन में प्याज होता है, एक है खरीफ एक है रबी। जब खरीफ सीजन होता है उसके लिए अलग वैरायटी होता है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए N53 ये वैरायटी बहुत अच्छा माना जाता है, इसका फलन भी ज्यादा होता है। रबी अर्थात जब ठंडी के मौसम में भीमा श्वेता, भीमा किरण, भीमा शक्ति और NH4DF का जो तीन चार वैरायटी है वो अच्छा फलन होता है। ये छोड़ के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान मोर ऑर लेस सेम टाइप का वैरायटी कल्टीवेट होता है। NH4DF जो पुणे में सिचुएटेड है उनका तीन वैरायटी है, NH4DF रेड 2, रेड 3 एंड रेड 4। ये तीनों वैरायटी विंटर सीजन के लिए रिकमेंडेड है। NH4DF रेड 2 उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है और 3 और 4 ये डार्क रेड कलर का होता है। इसका बीज आपको NH4DF का जो रीजनल ऑफिस है पटना में वहां मिलता है। प्याज का खेती करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सॉयल चुनना। सैंडी लोम मतलब बालुई दोमट मिट्टी और क्ले मिट्टी ये में सुटेबल होता है। बहुत ज्यादा बालुई मिट्टी में प्याज अच्छा नहीं होता है, पीएच 6 से 7 के रेंज के अंदर में अच्छा होता है। और सेलाइन और एसिडिक सॉइल, ये जो सेलाइन होता है समुद्र के किनारे में और एसिडिक सॉइल होता है पहाड़ों में, ये दो टाइप का सॉइल में प्याज ग्रो हो नहीं सकता है। खरीफ सीजन के लिए प्याज का सोइंग टाइम है एंड ऑफ मई टू जून, उसके 2 महीने बाद इसको ट्रांसप्लांटिंग होता है जुलाई और मिड अगस्त, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है नवंबर टू दिसंबर। और रबी सीजन के लिए अक्टूबर एंड से नवंबर ये होता है इसका सीड सोइंग टाइम, और 2 महीना बाद इसका सीड लिंग तैयार होगा, जैसे मिड दिसंबर टू मिड जनवरी आप सीडलिंग हार्वेस्ट कर लीजिए, उस समय में ट्रांसप्लांटिंग होता है। और ये मेन जो क्रॉप हार्वेस्ट होता है मई और जून। तो नर्सरी ग्रोइंग के लिए हम लोग को सीड चाहिए, सीड कहाँ मिलेगा? NH4DF का जो रीजनल ऑफिस होता है पाटा में यहाँ मिलेगा, नहीं तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च जो पुणे है वहां से संपर्क करिए, आपको अच्छा खासा बीज मिल जाएगा। नर्सरी एरिया के लिए 20 भाग के एक भाग नर्सरी एरिया होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 20 बीघा जमीन है, आपके लिए नर्सरी 1 बीघा जमीन में नर्सरी तैयार करना होगा। सीड रेट कितना होता है? 1 हेक्टेयर एरिया के लिए 8 से 10 केजी सीड रेट चाहिए। याद रखिएगा इसमें अच्छा खासा जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, नहीं तो आपको कम सीडलिंग मिलेगा। ट्रांसप्लांटिंग 15 सेंटीमीटर जब हाइट होता है सीडलिंग का और उसका नेक डायमीटर 0.8 सेंटीमीटर, और उसका उम्र कितना होगा? 8 सप्ताह मतलब 2 महीना का जब होगा इस ट्रांसप्लांटिंग के लिए सुटेबल होता है। ये जो ट्रांसप्लांटिंग होता है देयर आर मेनी सिस्टम, जैसे बेड सिस्टम है, ये बेड सिस्टम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बेड का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 से 2 बेड का दूरी 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसको चैनल कहता है। वो चैनल से आप चल सकते हैं, आप वहां बैठ के निराई गुड़ाई कर सकते हैं, इवन वो आपको इरिगेशन के लिए भी यूज होगा और खरीफ सीजन में ड्रेनेज का काम करेगा, एक साथ 3-4 काम करेगा। और एक बेड का चौड़ाई 1.2 मीटर होना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.25 केजी प्रति हेक्टर आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका अच्छा खासा सीड जर्मिनेशन करेगा। अगर आप लोग ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर परचेज कर सकते हैं तो नीचे दिए गया है लिंक से परचेज करिए। वीड मैनेजमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ऑनियन में
जड़ भसा होता है, इसका पतला पतला जड़ होता है, उसमें अगर मैनुअल वीडिंग करेंगे आपको क्रॉप को डैमेज हो सकता है, उसीलिए वीडिसाइड रिकमेंड करते हैं। स्टॉम्प एक वीडिसाइड है जो ऑनियन के लिए रिकमेंडेड है। रबी क्रॉप के लिए इसका डोज थोड़ा सा हायर होता है, खरीफ क्रॉप के लिए इसका डोज थोड़ा सा लो होता है, और उसके साथ साथ एक हैंड वीडिंग भी जरूरी है। अगर आप ये स्टॉम को खरीदना चाहते हैं, नीचे दिया गया लिंक में आप परचेज कर सकते हैं। प्याज का इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इरिगेशन। जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग होता है उस दिन इरिगेशन अनिवार्य है, उसके बाद तीसरा दिन में इरिगेशन देना चाहिए, बाद में हर हफ्ता में एक बार इरिगेशन देना चाहिए। हार्वेस्ट होने के 10 दिन से पहले इरिगेशन बंद कर देना चाहिए, नहीं तो को प्याज में रॉटिंग हो सकता है। इरिगेशन नेचुरली जो फ्लड मेथड से भी कर सकते हैं, आपको ड्रिप से भी कर सकते हैं और स्प्रिंगलर से कर सकते हैं। स्प्रिंगलर में इरिगेशन करेंगे तो आपको उपज अच्छा होगा। हार्वेस्ट कम होना चाहिए। जब आप अगर ग्रीन ऑनियन की खेती करना चाहेंगे तो 45 से 90 दिन आफ्टर फील्ड सेटिंग आप उसको हार्वेस्ट करिए। ग्रीन ऑनियन में अच्छा मार्केट है। अगर आपको ग्रीन ऑनियन करना नहीं है तो आप प्याज का बाल उगाइए। फील्ड सेट होने के 65 से 150 दिन के बाद ये बाल्ब तैयार होता है। ये डिपेंड करते हैं वैरायटी कौन सा टाइप है उसके ऊपर। आप कैसे समझेंगे प्याज मार्केट के लिए तैयार हो गया? रबी क्रॉप के लिए बहुत आसान है, इसका टॉप फॉल बोलते हैं। टॉप फॉल क्या होता है? इसका जो ऊपर वाला पार्ट गिर जाएगा, जैसे गर्दन लटक जाते हैं इस तरह से गिर जाएगा। कितना? जब 50% पौधा ऐसा ऊपर वाला पार्ट गिर जाता है उसको एक सप्ताह के बाद आपको हार्वेस्ट करना चाहिए। बट जब खरीफ सीजन ऑनियन होता है ये चीज नहीं होता है, उस समय में आपको आइडिया लगाना पड़ता है जो मैं हार्वेस्ट करे या ना करे। कैसे पता चलेगा? इसमें टॉप फॉल नहीं करेगा लेकिन टॉप धीरे धीरे सूखने लगता है, ऊपर वाला पार्ट से धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा और पत्ते का कलर है स्लाइटली येलो कलर होगा, मतलब ग्रीन से येलो कलर हो जाएगा। बल्ब जो है उसमें पिगमेंट आ जाएगा और प्रॉपर शेप हो जाएगा, प्याज में अच्छा शेप आएगा, साइज आएगा, तब आपको हार्वेस्ट करने का टाइम हो जाता है। इसके बाद यील्ड अगर देखें जेनरली 25 से 30 टन प्रति हेक्टर होता है, लेकिन यहाँ भी याद रखिएगा ये डिपेंड करते हैं आपको कौन सा वैरायटी आप लगा रहे हैं। प्याज में कल्टीवेशन तो आसान है लेकिन इसमें दो बड़ा खतरा है। एक है पर्पल बॉच जो पूरा पौधा को बर्बाद कर देते हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर कॉशन लेना होगा। एक तो ये सॉयल बोर्न फंगस डिजीज है तो आपको इन्फेक्टेड बाल बा वो प्लांट डेब्रिस सॉइल में रखना नहीं चाहिए। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में फैलता है तो उस समय में ध्यान देना चाहिए जो कौन समय में ये डिजीज फैल रहा है उसी में आपको प्रिवेंशन लेना है। सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप ट्राइकोडर्मा वीडी से ट्रीटमेंट करेंगे और कभी कभी कॉपर फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करेंगे इसका प्रकोप बहुत कम हो जाता है। साथ में आपको स्प्रे करना है, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मैनकोजेब इनको अगर स्प्रे करेंगे 3 बार तो आप इससे कंट्रोल मिल सकता है। और एक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है थ्रिप्स, ये भी बहुत खतरनाक है। ये डाई मेथड से और नहीं तो प्रोपेनोफॉस से कंट्रोल होता है। आपको क्लीन कल्टीवेशन मतलब साफ सुथरा करके कल्टीवेशन करना होगा, नहीं तो ये बहुत प्लांट को डैमेज करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पढ़ सकते हैं, जैसे खरीफ सीजन ऑनियन ग्रोन इन बिहार इज। देखिए यहाँ खरीफ सीजन ऑनियन में N53 भीमा सुपर भीमा रेड डार्क रेड सब है, लेकिन ये याद रखिएगा N53 ऐसा एक वैरायटी है जो बिहार के लिए खरीफ सीजन के लिए रिकमेंडेड है। पर्पल ब्लॉच डिजीज किसका है? ये तो आप लोग समझ गए होंगे जो ऑनियन में होता है, पोटेटो में नहीं होता है, एप्पल में नहीं होता है, और ऑल ऑफ दिस
तो होने का सवाल नहीं होता है। तो पर्पल ब्लॉच इज अ डिजीज ऑफ ऑनियन। और तीसरा क्वेश्चन, वीडी साइड रिकमेंडेड फॉर ऑनियन इज स्टॉम्प, इसका आंसर होगा स्टॉम्प। चौथा क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च कहां सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन पुणे। सो ये चार क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और अगर और भी आप लोग को प्याज का खेती के जानकारी चाहिए, नीचे आप कमेंट करके बोल सकते हैं क्या आपको चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे लाइक करिए, अगर मेरा चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्त में शेयर करिए। थैंक यू।